नमस्कार डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के आरा जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां नवादा थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक की शाखा में बुधवार की सुबह 6 बदमाश आए, सभी बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 16 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान इमरजेंसी अलार्म सुनकर 150 से अधिक संख्या में पुलिस वालों ने बैंक को घेर लिया। पुलिस ने पीए सिस्टम से बदमाशों को सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन बदमाश पुलिस के सामने से निकलकर बाइक में बैठे और मौके से फरार हो गए। मामला आरा शहर में पकड़ी बजाज शोरूम के पास एक्सिस बैंक की शाखा का है। वारदात के बाद पुलिस अब बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस ने इस संबंध में डकैती के अलावा बैंक में लूटपाट, बंधक बनाने और मारपीट करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह सुबह 10 बजे बैंक स्टाफ ने बैंक का ताला खोला और सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बैंक में अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था कि ग्राहक बनकर 5 लोग अंदर घुस आए। देखते ही देखते इन लोगों ने बैंक के मैनेजर समेत सभी बैंक कर्मियों को तमंचे के दम पर बंधक बनाया और महज 15 मिनट के अंदर बैंक में मौजूद सारा कैश समेट कर बाहर निकल गए।